हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। पिछले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि नन्ही सी गुड़िया अपने घर में पहुंच चुकी है। आज नन्ही सी गुड़िया से मिलने के लिए आ रहे हैं प्रियंका के मायके की फैमिली, और मेरी सिस्टर बन्ना और उनकी फैमिली भी आएगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे बहुत ही इंजॉयबल मोमेंट्स। बाय करते सारे, बाय, फिर मिलेंगे। कैसे पेट्रोल का जल पड़ती है वो? अगर उसका हैंडल लॉक हो फिर कैसे चलेगी वो? चल पड़ती है हैंडल लॉक, पूरा लॉक ऑन भी कर सकते हैं, गाड़ी के अंदर, फिर बाइक के अंदर तब चल पड़ेगी। तब भी ले जा सकते हैं ना? तो बड़ी बुआ आ गई अभी लड़की के, और मामा जी लड़की के, बड़े मैं धन्यवाद सुन जा रहे हैं, और ठीक है, और नानी के पास है अभी हमारी गुड़िया। देखिन तुमने छोटी गुड़िया, सानू सुन देखिनी क्या है? लाल गाल, गाल कैसी लगी हमारी छोटी सानू? तो सर्दियों में आई है ना ये छोटी सान भी, तब भैंस के गाल लाल है। नहीं झूठ बोलते हैं, पता लग गया कि मैं दिल्ली आ गई है, बड़ी सानू आ गई है घर में, अब मैं नहीं रहूंगी। तेरे को ही तो ये ढूंढ रही थी, कितने दिनों से? तीन दिनों से बोल रही थी कि मेरी बड़ी दीदी, मेरी सानू दीदी कहाँ है, उसको लाओ। ये दम छोटी है, कैसे बोल सकती है? रोते रोते मिठू मिठू देख ले, देख ले मिट्टू रह गया, मिट्टू आए आए, मिट्टू देख ले बोल रही है, छोटे बच्चे छोटे खड़े और हाय हेलो कर रही है। मैं उमड़ती वेरी गुड वेरी गुड छोड़ेगी, अग्नि छोड़ेगी, अग्नि छोड़ेगी, छोटेगी, अग्नि छोड़ेगी, पकड़ ले, पकड़ लू अब, हमने बुआ पकड़ ले, पकड़ लू गलाने भी करी कराई नहीं थी, थोड़ा जे कोशिश करी कराई, कोशिश थोड़ी जी खाने जो क्या लंदर है कुछ कराई है ना, जीप लिख लिया करी कराई, लाओ भाई मिठू लाओ, ये बुक्की बढ़िया हमने टास्क किया, मिठू लाओ, मिठू लाए थे, मिठाई खूब खाए थे हमने, लिटिल एंजल ने देखी अपनी बुआ का हाथ पकड़ लिया है और छोड़ ही नहीं रही है। लाओ भाई बुबू जी, इसको पहले दान दक्षिणा मिट्टू मांग रही है, लाओ भाई आप जल्दी से पकड़ो, ऐसे पकड़ो बोला, नहीं मुन्नू मैं नहीं लूंगी पैसे, मेरी पकड़ लेगी ए, 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 ए। भाई बाकी के पीछे चौके के दिन आएंगे ना, अभी ऐसे शुरुआत हो रही है ये, है ना, बाकी चौके के दिन बड़ी अच्छे अच्छे गिफ्ट लाएंगे, उस दिन तो देखा जाएगा, उस दिन सोने चांदी के गिफ्ट आएंगे। ठीक है बोले, ठीक है ठीक है, ये डरिया फिक्र नहीं करनी, बोले फिक्र नॉट, ये मिठू कैसी लगी तेरे को दीदी छोटी? गर्मी खेल करेगा तू इसके साथ, हाँ सानू तेरे से मोटे सच में, तुम भी इससे सीख ले लेना, जैसे ये
जैसे ये भूख सहन नहीं करते ना थोड़ी देर के लिए भी, तू भी खाना पीना कर दे शुरू ठीक डाइट। जब तू पैदा हुई थी ना तब तेरे गाल दी थी आइए आइए बढ़िया फटाफट रजाई में। हेलो हेलो देखी इन्हें तो खूब गप्पा मारी कि तेज जीवन पर भी मतलब लाने की कोशिश करो मेरा तो दुकान में तो लाइट ही नहीं है अब लाइट ऑन कर देगा मैं तो दुकान में लाइट ही नहीं है रहने दे अब चीजें लेना मैंने अपने एक फ्रेंड को भी देनी है गच्चे खा लो नारियल की टॉफी खा लो और ये कुरकुरे वगैरह नहीं होते अच्छे ठीक है देख ली इनको खाने के लिए क्या ले लिया तुमने बड़ी ज्यादा चोरी कर लिया ये कितनी पैसे ले लिए इसने दो ये फोन को चल रहा है अच्छा चल बुलाई लो इन अब बुलाई लो सब ये ले ये की पार्टी करेंगे हम छोटी शादी भी है ना जानू घर हर काम कितना पूछा लग रहा बस कल आना थी ना अच्छा अच्छा प्लम्बर का काम हो गया छत वगैरह बस पीना चाहिए ठीक है सानू मिठू और उनकी फैमिली तो निकल गई। अब मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता हूँ अपने ससुराल वालों से मीन्स प्रियंका के मायके वालों से। तो ये है हमारी क्यूट समायरा, बहुत ही ज्यादा नटखट हो गई है आजकल ये। तो लड़कियां तो वैसे भी घर की रौनक होती हैं, जिस घर में लड़की नहीं वहां पे रौनक तो जरूर होगी लेकिन उस लेवल की रौनक नहीं होगी जो एक नन्ही सी परी की होती है। अपना
ठीक है जीता वैसे तो प्रियंका के माइकी की फैमिली को मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है यूट्यूब पर हमारे प्रीवियस ब्लॉग्स में, कि जो भी नए व्यूअर्स हमें देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं ये मेरी सासू माँ हैं और जो बीच में बैठे हुए हैं ये मेरे ससुर जी हैं और ये पापा हैं, इनको तो आप जानते ही हैं, और जो बेड पर बैठे हुए हैं ओल्ड पर्सन ये मेरे नानी जी हैं। प्रियंका के मायके में भी एक नन्ही सी परी है, बहुत ही क्यूट है, तो हमारी क्यूट स्माइरा से भी मिल लीजिए आप, ये मेरे साले की बेटी है और आजकल तो बहुत ज़्यादा नोटी हो गई है ये, और साथ में ये बाबा जी की वाइफ है और मेरी सासू माँ बैठी हुई है इनके साथ। तो ये मोमेंट उस टाइम के हैं जब ये वापस जा रहे थे, प्रियंका से मिल चुके थे और अपने घर की तरफ जा रहे थे। फिर कभी आना तू आई है ना, ठीक है, ओके बाय। स्माइरू स्माइरू ठीक है भाभी। बाय बाय। आए फिर यहाँ डुगू आई है छोड़े मामू आई है फिर तू है काकिया ने मिलना। हाँ हम जाना बाय करते सारे बाय यार फिर मिलेंगे। तो ये था हमारा एक सिंपल सा ब्लॉग, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया हर एक चीज को। घर पे मेहमानों का आना जाना स्टार्ट हो चुका है और खुशी की लहर बहुत ज्यादा आई हुई है हमारे घर पर, सभी के सभी मेंबर्स इतने ज्यादा खुश हैं कि पूछिए मत, और जो भी रिलेटिव आ रहे हैं बहुत अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं नन्ही सी परी को। तो आप लोगों ने भी ढेर सारी विशेस की हुई थी प्रियंका के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद हूँ आप सभी लोगों का, और आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रहा था मैं, और क्या ही बताऊँ आप लोगों को कि किस हाल पे हूँ अभी। तो पिछले रात को तो नन्ही गुड़िया ने जगराता ही करवा दिया, तो बहुत ही ज़्यादा टायर फील कर रहा हूँ, लेकिन क्या बोलते हैं ना कि बाप और माँ बनना इतना आसान नहीं है, तो देखिए मुझे तो केयर करनी पड़ेगी दोनों की, और हाँ मैं करूँगा। आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप अपनी वाइफ और नन्ही सी परी की केयर कीजिएगा, तो बिल्कुल पूरा 100% इन्हीं के ऊपर टाइम दूंगा मैं।